मैं अपने किचन में बना रही हूँ मज़ेदार सी रेसिपी मैक्रोनी की, जब बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बड़ी जल्दी बन जाएगी ये। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ली है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज था उसकी मैंने चॉप कटिंग कर ली है। मैं हल्का सा सॉटिंग करूँगी, फिर गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसे फ्राई करेंगे ताकि इसके कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यह मैंने मैक्रोनी ली है, 1 पैकेट मैक्रोनी का है। प्याज हमारा अच्छे से सोते हो गया था, इसे मैंने चिकन ऐड किया था, चिकन भी हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। शिमला मिर्च है इसे मैंने बारीक कट कर ली है, 2 दिन मैंने शिमला मिर्च ली थी। और ये कैरेट है 2 दर्द थी, इसको ही मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हम गोभी ऐड करते हैं, तकरीबन 1 कप है। अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम को मीडियम रखना है। लो फ्लेम पे ये बिल्कुल चकड़ अच्छा नहीं आएगा, मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा और ये सॉफ्ट भी नहीं होगी, हल्का सा क्रंची पे रहना चाहिए। स्पाइसी ऐड करते हैं, स्पाइसी में लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च पाउडर लिया मैंने, 1 धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मिक्स कर लें। अब हम सॉसेज ऐड करते हैं, 2 टेबलस्पून मैंने डाला है विनेगर, 1.5 टेबलस्पून डाला है सोया सॉस, इसे मिक्स कर लेंगे। चिली सॉस डाला है 1 टेबलस्पून, अच्छे से मिक्स कर लें। मैक्रोनी ऐड करती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह कलरफुल लग रही है, बहुत मज़े की बनी है। मैक्रोनी हमारी बन के रेडी है, बहुत मज़े की बनी है और बहुत कलरफुल लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।